हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जी तो गाइस, आज की रिएक्शन वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि भाई साहब विक्की कौशल एक नई मूवी के साथ धमाका लेके आ चुके हैं और मूवी का नाम है भाई साहब छावा। क्या जबरदस्त इसमें लुक आ रही है और क्या कमाल की ये मूवी होने वाली है। इसकी हम फोटोज और चर्चा अपना पाकिस्तान में देख रहे हैं, बहुत इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है और अभी इसका हमारे पास टीजर आया है तो देखते हैं कि ये अपना छावा मूवी का टीजर किस किस्म का है और इसमें विक्की कौशल किस किस्म का अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इससे पहले हमने टीजर नहीं देखा और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है छावा मूवी का ये टीजर देखने के लिए। नो डाउट अपना विक्की कौशल जो है वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड है और उनको किसी भी सूरत हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भाई सब एक्टिंग स्किल्स उनकी कमाल की हैं। तो आए देखते हैं जी छावा मूवी में विक्की कौशल किस किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आए पहले टीजर देख लेते हैं, इसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और अंग और शेर के बच्चे को Yes, ये चीज वाह। ये चीज सिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़िए। ओहो भाई साहब, छावा का ये टीजर था और क्या कमाल की लुक के साथ आए हैं विक्की कौशल। इसमें उन्होंने अपनी बियर्ड बढ़ाई हुई है और महाराज बने हुए हैं, आई थिंक सो इसमें महाराज बने हुए हैं और बाहुबली की टक्कर पे आए हैं। भाई साहब जैसे बाहुबली मूवी थी, इसमें जो सीन्स एक दो दिखाए गए हैं ना, छावा जैसे वो एक लंबी सी स्टिक पकड़ी होती है और लोगों को ऐसे गिरा रहा होता है, मतलब एक ही आप कह लें कि एक शेर हजार गीदड़ पे भारी होता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे बाहुबली अपने दुश्मनों को जैसे वो धूल चटाता है, इसमें विक्की कौशल सेम रोल प्ले करने वाले हैं और कैसे वो इतने ज्यादा लोगों को अकेला मार पीट रहा होता है। और ये अपना महाराज और जैसे मुगलिया दौर गुजरा है उससे रिलेटेड मूवी लग रही है। कोई इनकी सल्तनत पे जंग चल रही है और उसमें छावा एक महाराज है जो अकेले ही अपने दुश्मनों पे भारी हो रहे हैं और क्या कमाल की एक्टिंग की है। जैसे बाहुबली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं और क्या उन्होंने बाहुबली में रोल प्ले किया था, कितना बखूबी उन्होंने उस रोल को निभाया था। सेम वैसे ही विक्की कौशल को जो रोल दिया गया है उसमें ऐसे रच मच गए हैं, इतना इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि भाई साहब देख के मजा आ गया। ये मूवी ऐसे लग रही थी कि हम कोई ना हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, इसमें जो सीन थे भाई हॉलीवुड को तो आप भूल जाएं। जैसे अब बॉलीवुड में या साउथ इंडियन मूवीज आ रही हैं, भाई हॉलीवुड अब उनको कॉपी कर रहा है और मुझे तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है टीजर को देखते हुए। एक दो सीन्स मेरे सच में ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि विक्की कौशल इस रोल में भी इतना बखूबी उसको परफेक्टली अपना प्ले कर सकते हैं और बाकी क्या बखूबी इस किरदार को उन्होंने निभाया है। तो देखते हैं जी इस मूवी छावा मूवी का हमारे पास ट्रेलर का बात है, इसके ट्रेलर का भी हमें इंतजार रहेगा और बहुत इंजॉय किया सच में, ऐसा ट्रेलर ना काफी टाइम बाद देखा। ये मूवी देखने को तो वाकई बड़ा बंदा बेसब्री से वेट कर रहे हैं और दिसंबर 6 दिसंबर को ये अभी तो बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, दिसंबर ऑलमोस्ट 3 to 4 months पड़े हुए हैं इस मूवी के आने में, लेकिन वो कहते हैं ना एक यूनिक चीज बनाने में टाइम भी लगता है। तो देखते हैं जी इसका ट्रेलर जैसे आता है उसको भी हम देखेंगे, उस पर भी रिएक्शन देंगे। इस भाई साहब टीजर को हमने तो बहुत इंजॉय किया, होप सो आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा। और अगर आज की यह रिएक्शन वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई मजेदार सी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।